आयुष्मान यहाँ पे सामने, आयुष्मान सामने, आयुष्मान एक बार यहाँ पे, आयुष्मान यहाँ पे, यहाँ पे झुकू सर मैं अब प्रवीण या प्रवीण कितना फोटो बाकी है मारते ही चला जा रहा है सबसे पहले इससे पहले कि हम उस स्पेशल शो की बात करें जो हम लोग धमाल करने वाले हैं 92.7 पर, मैं चाहता हूं कि हमारे क्विक के कंट्री हेड सुनील कुमारन सर यहां पर अगर हैं तो 2 मिनट के लिए आ जाएं। सुनील सर वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज वेलकम करें यहां पर आयुष्मान का। सो दिस इज दिस स्पेशल शो जो आयुष्मान कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी करियर का शुरुआत बिग एफएम से हुआ था एंड मैं मॉर्निंग शो होस्ट करता था दिल्ली में इसी रेडियो स्टेशन पर, और यहाँ पर मुंबई में आकर भी मैं काफ़ी बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ दिल्ली के लिए एंड बैक अगेन फॉर दिस टाइम एज अ गेस्ट किशोर कुमार के बर्थडे पर 4th August को जो है एंड आई बी सिंगिंग लॉट ऑफ अनप्लग सॉन्ग्स जो है, और आप सबकी तरह मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड इट्स एन ऑनर टू इनफैक्ट दिलीप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा ऑनर है बिकॉज़ आई एम उनका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा एक खास बात यह है कि आज आप सबके सामने दिलीप बोल दिया, वैसे दिलीप बोलते नहीं है, फिलिप फिलिप बोल रहे तो चश्मा टूटा हुआ पीछे तो फिलिप वाली पीले हाँ ये जरा वो मजनू भाई की तरह एंट्री मार। और हमारा साथ निभाएंगे गिटार पर मोहित, मोहित भी अगर यहाँ पर है तो मैं जी मोहित के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन मोहित अभी यहाँ गाने वाले हैं क्या, सब कुछ एक झलक तो कुछ कर ही रहे तो किशोर दा के कितने बड़े फैन हैं आयुष्मान? यार मैं किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, इनफैक्ट ऐसा कोई है नहीं जो किशोर दा का फैन ना हो, लाइक सचिन तेंदुलकर ऑफ म्यूजिक। एब्सोल्युटली, तो किशोर दा वैसे हैं हमारे लिए बहुत बड़े लेजेंड हैं और उनके गाने सुन सुन कर हम बड़े हुए हैं, और मोर देन एनीथिंग एल्स किशोर दा मेरे लिए इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि वो भी सिंगर एक्टर थे, कुछ दिखते भी थे, मुझे दिखने का शौक है तो उनको बहुत फॉलो करता हूँ। आई एस्पायर टू बी लाइक हिम, ऐसा कोई हो नहीं सकता लेकिन उनको फॉलो जरूर कर सकते हैं। और ये बड़े दिनों बाद फिर एक बार MJ के तौर पर आप 4th August को सबके लिए ये शो करने जा रहे हैं, तो क्या क्या यादें हैं, कुछ यादें हैं रेडियो की जो अभी आप बताना चाहेंगे? रेडियो की यादें हैं कि ऑफ कोर्स दिल्ली में हमारे जो है काफ़ी रेट्रो म्यूजिक वहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले दिल्ली रेडियो स्टेशन पर दिल्ली में BFM में, और अब यहाँ पर आप रेट्रो प्ले करते हैं। तो मैं तब 22 साल का था जब मैं रेट्रो म्यूजिक इंट्रोड्यूस करता था और शो होस्ट करता था, तो आई थिंक 22 ईयर ओल्ड मुझे लगता है कि 22 साल को आर जो उस टाइम को मैं मॉर्निंग शो करता था 2006 में, तो किशोर दा के काफ़ी गाने प्ले किया करता था मैं जी जी, अभी भी मैं सुनता रहता हूँ किशोर दा को। किशोर दा का कोई गाना अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते तो किस तरह से करते हैं? यार मैं गाना गा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट, तो आयुष्मान हमारे साथ हैं और किशोर दा का गाना ये बहुत हल्की सी झलक है जो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं एक्चुअली, और बाकी जो कुछ भी होगा वो तो ऑन एयर सारा खेल होने वाला है 4th August को। ये स्पेशल शो आप 92.7 BFM पर सुन पाएंगे।
बारिश नहीं हो रही थी। ये प्रिया थोड़ा राइट, 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 यार एक बार किशोर दा के लिए और एक बार आयुष्मान के लिए एक बार जरा माहौल बनाते जम के हो जाए ये बात। अरे उसको सोचिए कि ये एक झलक है तो 4 अगस्त को क्या कमाल होने वाला है 92.7 बिग एफएम पर। मीठे मीठे गाने आपने सुना दिए तो एक बढ़िया मीठा सा केक इस मौके पे कट किया जाए। चलिए लियान केक पहले फोटो अरे प्रवीण भाई, हैप्पी बर्थडे डियर किशोर दा,
Happy birthday, dear Kishore da. Happy birthday to you. आप लोग भाई क्या हो? अरुण अरुण भाई क्या? अरुण को भाई. महिला अरुण. नहीं पहले पहले अरुण का उपवास है. अरुण अरुण का उपवास है. भाई भाई बैठ गया यार. अरुण उधर उधर. क्या कर रहा है? बेटा. आयुष्मान जी सबसे पहले तो कैसे याद करते हैं आप किशोर दा को और जब भी ये दिन आता है का दिन कैसे? इनफैक्ट जब भी किशोर दा का बर्थडे होता है मैं अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ एक गाना अपने फ्रेंड्स का जैम करते हुए और इस बार भी करने वाला हूँ. इस बार तो पूरा शो करने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट. सो आई थिंक या दैट्स द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट किशोर दा बर्थडे. इनफैक्ट किशोर दा का बर्थडे हम रोज़ सेलिब्रेट करते हैं कि रोज़ आप रेडियो पर उनके गाने सुनते हैं तो हर एक दिन किशोर दा का बर्थडे हमारे हिसाब से. हाय कैसे हो भाई? आप अगर किशोर दा की बात करें तो हर मूवमेंट के लिए उन्होंने गाने गाए हैं चाहे वो सैड हो मतलब हर महफिल के लिए भी गाने गाए. तो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपको याद रहता है और जब ऐसा टाइम आता है तो उनके गानों को जो है वो सुनते हो आप याद करते हो? आई थिंक जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम. वो आई थिंक दैट्स अ सॉन्ग बहुत ही नॉस्टैल्जिक भी है और उसका डीप मीनिंग भी है. आप जिंदगी कभी भी आप किसी भी उलझन से गुजर रहे होते हो तो आई थिंक यू लिसन टू दैट सॉन्ग यू गेट द पर्सपेक्टिव राइट. किशोर दा एज यू सेड हर एक मूड के लिए उनका गाना होता है चाहे आप मोटिवेटेड नहीं हैं या फिर आप रोमांटिक फील कर रहे हैं. आई थिंक ही इज अ लेजेंड. कोई ऐसा रोमांटिक गाना जो आपने असल जिंदगी में बड़ा गाया हो गुनगुनाया हो जब मोहब्बत चल रही हो प्यार चल रहा हो इश्क चल रहा हो और डेडिकेट किया हो कि ये आपके लिए? यार हमें तुमसे प्यार किया कितना मैं बहुत बार गा चुका हूँ. इनफैक्ट वो पहला गाना था जो मेरी वाइफ को गाया था मैंने जब हम डेट कर रहे थे सुखना लेक चंडीगढ़ में. तो काफ़ी लोग भीड़ जमा हो गई थी कि यार इतना खुल के क्यों गा रहा है. तो मुझे लगा कि अब मुझे खुल के नहीं आराम से गाना चाहिए. तब से मैं थोड़ा दबके गाता हूँ. दबके क्या गाते हो? नहीं बस वही गाता हूँ क्योंकि वहाँ पे सुखना लेक में सब लोग इकट्ठे हो गए थे गाना गा रहा है एक लड़की के लिए तो वो सीन हो गया था वहाँ पर. आई थिंक तब उस टाइम पर कैसेट्स आती थी एवरग्रीन किशोर कुमार बेस्ट ऑफ किशोर कुमार ऐसे ऐसे कैसेट्स आती थी और काफ़ी ब्लैक एंड वाइट गाने मैंने पहली बार देखे थे जो हमारे टीवी पे भी आते थे दूरदर्शन पे आया करते थे. आई थिंक चलती का नाम गाड़ी देखी थी मैंने उनके गाने थे और एक लड़की भीगी भागी सी गाना था जो बहुत मधुबाला जी के साथ था उनका गाना. तो वो काफ़ी आई थिंक दैट वॉज फर्स्ट सॉन्ग प्रॉब्ली आई हैड सीन ऑन टेलीविजन और सुना था जो मैंने उनका. आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था या वो भी बाकी पेरेंट्स की तरह बच्चों को फिल्में देखने से रोकते थे? या मेरी दादी जो है वो गुरुद्वारा में गाया करती थी शब्द गाती थी और माय डैड प्लेज रियली गुड फ्लूट. तो म्यूज़िक हमारे खानदान में है काफ़ी टाइम से. तो आई थिंक दादी और मेरे पापा जो हैं वो ज़्यादा मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे म्यूज़िक से चाहे वो गाने सुनाते थे या फिर फिल्म देखते थे. तो बहुत ही फिल्मी माहौल था हमारे घर पर. ओके आयुष्मान एक जर्नी रही है आपकी मगर जिस जैसे आपने बताया आप दिल्ली में काम करा करते थे इसी रेडियो पे. डू यू गेट इमोशनल जब जिंदगी इतना बड़ा चक्कर लेके यहाँ लाके खड़ा कर दिया नाउ आयुष्मान पुराना है? ऑफकोर्स इमोशनल तो होते ही हैं क्योंकि जर्नी मेरी यहीं से शुरू हुई थी बिग एफएम से शुरू हुई थी रेडियो से शुरू हुई थी वो दिल्ली में शुरू हुई थी और यहाँ पर एज अ गेस्ट जब इनवाइट किया जाता है तो इट्स वेरी सरियल. आई थिंक ऐसा नहीं बोलूँगा सोचा नहीं था. सोचा था मैंने कि मैं एक्टर बनूँगा या स्टार बनूँगा तभी आप कुछ कर पाते हैं अगर सोचते हैं ज़िंदगी में. लेकिन वो ख्वाब सच हो जाते हैं तो बहुत सरियल सा महसूस होता है. तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. ओके आयुष्मान किशोर जी की जिंदगी अपने आप में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रही है उनकी और लोगों ने कोशिश भी करी है बायोपिक का जमाना चल रहा है. वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग अ बायोपिक ऑन किशोर कुमार? इनफैक्ट ये पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ अगर किशोर कुमार की बायोपिक बन रही है तो वो मुझे ही करनी चाहिए क्योंकि मैं गाता भी हूँ और उनके बारे में जानने का बहुत मुझे शौक है. मैं उनके किस्से सुनता रहता हूँ या फिर पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में उनके गाने बहुत सुनता रहता हूँ. तो आई थिंक मैं डिजर्व करता हूँ किशोर कुमार की बायोपिक करना. आई जस्ट पुट इट इन द यूनिवर्स राइट नाउ. या अंधाधुन हमारी फिल्म जल्द रिलीज़ होने वाली है. आई थिंक एक महीना 45 दिन के अंदर रिलीज़ होने वाली है. रिलीज़ डेट आपको जल्दी सुनाई दी जाएगी एक दो दिन में आ जाएगी वो. और आई थिंक 31 को नहीं होगी. हाँ 31 को नहीं होगी. लेट्स सी कब होगी उसके आसपास ही होगी. तो वो फिल्म आई एम प्लेइंग अ ब्लाइंड पियानिस्ट इन द फिल्म और पहली बार एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ फिल्म के अंदर. उसके लिए पियानो सीखा भी है मैंने काफ़ी.
चार चार घंटे रोज रिहर्सल की है, क्योंकि एक नया इंस्ट्रूमेंट था मेरे लिए, मैं गिटार बजाता हूँ, पियानो पहली बार बजा रहा था, बच्चों ने पेटी बजाया करता था, लेकिन उस पर हाथ दोनों यूज़ होते हैं पियानो के अंदर, कॉर्ड्स भी और मेलोडी भी. सो आई गेस या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि श्रीराम राघवन की फिल्म है, थ्रिलर है, पहली बार एक थ्रिलर कर रहा हूँ, एक नया जॉनर है मेरे लिए, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. एब्सोल्युटली, इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ जब मैं खुद डायरेक्टर को अप्रोच किया मैंने कि आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक आपकी छवि होती है जो बॉय नेक्स्ट डोर की है या फिर एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्मों की है, विच आई रियली वॉन्टेड टू ब्रेक. और मुझे लगता है कि आप हर फिल्म के साथ अपनी छवि ब्रेक नहीं कर सकते, आपको 3-4 साल बाद इस्टेब्लिश करने के बाद वो अपनी इमेज ब्रेक करनी चाहिए, एंड यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट आफ्टर एवरी 3-4. अंधाधुन इज बोथ, आई थिंक रिस्क तो नहीं है, चैलेंज है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं है. बहुत ही मंजे हुए डायरेक्टर है तो रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि ही नोज दिस जॉनर रियली वेल. तो थ्रिलर उनको पता है कैसी बनाई जाती है, इज द मास्टर ऑफ थ्रिलर श्रीराम राघवन. तो आई थिंक इट्स एन ऑनर टू वर्क विद हिम. आई कांट बी कॉलिंग इट एज अ रिस्क, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट करियर मूव. ये ड्रीम कैरेक्टर हम एक्टर सोचते हैं कि हम कुछ सोच के आएंगे. मैं जैसे बचपन में सोचा था कि कभी हाँ कभी ना मैं जो शाहरुख ने कैरेक्टर प्ले किया था वो मैं प्ले करूँगा एक दिन, लेकिन मुझे नहीं पता था पहला फिल्म में मैं स्पर्म डोनर बन जाऊँगा. तो आई थिंक हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो इतने क्रिएटिव हैं कि मतलब स्पर्म डोनर से लेकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक शुभमंगल सावधान, वो कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा मैं प्ले करूँगा. तो आई थिंक वो जो मैं काम स्क्रिप्ट राइटर्स पर थोप देना चाहता हूँ, बट आई गेस या हम अपने अपने धारणाएं होती हैं हमारी. मैं एक सिंगर प्ले करना चाहता हूँ फिल्म के अंदर. जब मैंने रणबीर को रॉकस्टार में देखा था तो मेरा मन था काश मैं प्ले करता. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग किशोर कुमार की बायोपिक में प्ले करना चाहूँगा. आई रियली लव संजू. मुझे संजू बहुत अच्छी लगी फिल्म, और आई थिंक रणबीर इज द बेस्ट वी हैव राइट नाउ. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. आई थिंक मोर देन अ कंटेम्प्रेरी आई एम हिज फैन, एंड आई रियली लव द फिल्म. हाँ, बधाई हो हमारी दशहरा पर रिलीज़ हो रही है, 19 अक्टूबर में रिलीज़ होगी. सानिया मल्होत्रा के साथ फिल्म है, वो उसी जॉनर की है जिस जॉनर में मतलब मैं बाकी फिल्में कर चुका हूँ. इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म. अभी क्या उसका वन लाइनर है हम रिवील करेंगे जल्द. इट्स नॉट जस्ट अनदर रोम कॉम, इट हैज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट. जैसे मैं फिल्में करता आया हूँ तो आई थिंक आपको जल्द पता चलेगा. मुझे बहुत अच्छा लगा श्री का ट्रेलर. इनफैक्ट मैं पहले 2 महीने पहले देख चुका था ट्रेलर, या क्योंकि ऑफकोर्स अपार उसके अंदर है, राजकुमार उसके अंदर है, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, दोस्त है मेरा. एंड डीनू इज़ अ गुड फ्रेंड जो प्रोड्यूसर है. तो आई रियली लव लव द ट्रेलर. इनफैक्ट ये जॉनर काफ़ी यूनिक है हॉरर कॉमेडी का, सो आई थिंक इट्स गुड टू एक्सप्लोर दैट जॉनर. आई थिंक ऑफकोर्स उस दिन 4 फिल्में आ रही है तो कोई पॉइंट नहीं है चारों को एक साथ आने की. अगर आगे डेट्स और हैं तो आई थिंक वी शुड ऑफकोर्स शिफ्ट. आज मैं ये बोला रेड एंड व्हाइट पहनने वालों की बात ही कुछ और है यार. पहनने तक ही ठीक है, क्योंकि मैं नॉन स्पोकर हूँ, टी टोटलर हूँ. तो लेकिन हाँ, स्टाइल ऐसा है जो आई थिंक जो आपको नेचुरली आपके अंदर से आए. यू शुड नॉट ट्राई टू हार्ड. जो आपको आप कैरी नहीं कर पाते हो, कोशिश नहीं करनी चाहिए. आपकी पर्सनालिटी को आगे वो सिंबलाइज करता है जो आपका स्टाइल होता है. तो आई थिंक आई एम क्वाइट आई डोंट नो क्वाइट चिल्ड आउट. तो आई थिंक मेरा स्टाइल वही है. आई कैन कैरी सिंपल स्टफ ऑल्सो एट द सेम टाइम. आई थिंक डिपेंड्स ऑन योर मूड. योर स्टाइल इज योर मूड स्विंग. जो आपका मूड स्विंग होता है वो आप पहनते हैं. या सुमित कैसे हैं आप? चुप आज चुप कैसे हैं तुम? अरे सुमित भैया, बस प्रणाम. Of course, I think physical, emotional, हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आई है उनके अंदर. एक्टिंग को लेकर भी आई है. शी हैज बिकम अ बेटर एक्टर ऑफ कोर्स. एवरी फिल्म से आप ग्रो करते हैं, एंड आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन. I think everybody wants to break a certain image. किशोर दा भी बुलाने लग गए वहां से स्टूडियो से. हां चलिए ये कर लेते हैं. हां आई थिंक एवरीबॉडी आवाज लगा कर लेते हैं. वो हो गया किशोर. कोई बात नहीं. आई थिंक क्या एवरीबॉडी हैज दैट अर्ज टू ब्रेक दैट इमेज. और भूमि काफी
रस्टिक रियल रोल करती हैं और जो बिल्कुल ही विपरीत उनकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स नजर आती हैं. सो आई थिंक इट्स गुड टू शो दैट साइड ऑफ योर्स आल्सो एट द सेम टाइम. अपनी वर्सेटिलिटी आप सिर्फ फिजिकलिटी के थ्रू नहीं एक्टिंग के थ्रू भी दिखाते हैं. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट शी इज हैविंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू. या काफ़ी अच्छी बात है और उसकी भी फिल्म आ रही है इसलिए हम उस सेम रिलीज डेट पे रिलीज़ नहीं करेंगे. देखते हैं कब आएगा. तो नहीं होना चाहिए बट या बेस्ट ऑफ लक टू हिम. ही हैज हिज ओन जर्नी. या हाँ हम तीनों भाई हैं बहुत खुश हैं आपस में. तो अच्छा लगता है काम करके. होनी चाहिए हम तीनों के साथ. क्या अरे ठीक है कर लेंगे यार वो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बात यहाँ आए 4 अगस्त को सुनना मत भूलिए. बिग एफएम पर किशोर दा के बर्थडे पर स्पेशल शो जहाँ आयुष्मान पेश करेंगे किशोर दा के गाने. थैंक यू सो मच.